नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। पानी की समस्या को लेकर आक्रोशित श्रीराम कॉलोनी के निवासी पहुंचे नगर पालिका। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उनके यहाँ पानी की बहुत समस्या है। पंप ऑपरेटर उनकी सुनता नहीं और कहता है कि इसमें पानी नहीं है। कॉलोनी निवासियों का आरोप है कि वह नल खोलने के लिए रुपए मांगता है। जब पंप में पानी नहीं था तो उसके यहाँ शादी थी तो पंप में से पानी कैसे आ गया। कॉलोनी वासियों के पहले कंप्लेंट करने पर 2-3 दिन पानी आ गया था, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। इसी शिकायत को लेकर आज कॉलोनी निवासी फिर से नगर पालिका पहुंचे, जहां उनके सुनने वाला कोई नहीं था। इसी को लेकर नगर पालिका में उन्होंने भारी हंगामा भी किया। पानी की समस्या है भाई साहब, जैसा हमने अभी करी थी कंप्लेंट, तब 2-3 दिन पानी आ गया। अभी जो नल खोलता है उसके यहाँ शादी तो पानी आ गया, उसकी शादी खत्म हो गई तो पानी अपने आप बंद हो गया। ऐसा क्या मतलब, तुम रात को 2 बजे खोलते हो तो 2 बजे रात में पानी कैसे आ जाता है? कौन कौन खोलता है ये ना? विजय। और उससे अगर उससे ज्यादा कुछ कहते हैं तो ये कह देता है कि ना साहब, जब कह दो सरुजा से, क्या कर लेगा सरुजा मेरा, ऐसा बोलता है। यहाँ एक घंटे से खाना यहाँ कोई ही नहीं है, किससे बोले शिकायत किससे करें? आप तो ये बोला शिकायत किससे करने, आप तो ये बता दो साहब, करीबन कितने घरों में पानी नहीं आ रहा? करीबन कितने घर? करीबन है 40 घर, 30-40 घर है। और सब जगह पानी आ रहा है? सब जगह पानी आ रहा है सब जगह। और जो दूसरा नल खोलता है वो लड़ाई उससे कहता, नल खोलता कहता मैं क्यों खोलूं? किस एरिए का है ये मामला? ये डीपी चौराहे से लेके थोड़ी सी आगे गई, डीपी चौराहे से नल नहीं आ रहा है। ऐसी आ रही है तो बिल्कुल पानी का कोई टेम नहीं है, खोलने का बिल्कुल नहीं है टेम। कल आ रहा जब पूछते हैं, जब कहता है मेरा तो चालू है पानी, अब बूंदा नहीं आ रहा। घंटा घंटा मोटर चला रहा है, 3-3 घंटा मोटर चला रहा है, चार चला रहा है, कोई समस्या नहीं। हमारे बिल बहुत बढ़ रहे हैं, हमारे बिल की हैसियत नहीं है देने का। मजदूर आदमी हम काम पे जाएंगे तो पानी को बैठेंगे। नल चालू करने के लिए क्या बोलते हैं? चालू है मेरा, मेरा चालू है। अरे पानी नहीं होता उसके घर में, बाल है। आप तो कह रहा है वो दारू मांगते हैं, जब इतनी कैंप पे देता है तो नहीं है बिल्कुल भी। जब भी कहते हैं हमारा बाल खोलना चाहिए, बाल नहीं खोल रहा। बताता वो टाइम बताता है ना, रात का है ना, मेरे बाबा कोई टाइम नहीं है। कभी 1 बजे खोलता है, कभी 2 बजे खोलता है, रात के दिन का कोई टाइम नहीं है। मजदूर आदमी मेहनत कर रहा है, खोलने जा रहा है। डीजियाना की खबर का हुआ असर। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि किस तरह से मंडी में किसानों के साथ लूट की जा रही है, क्योंकि 50 किलो की बोरी पर 53 किलो अनाज तोला जा रहा था, जिससे कि अन्नदाता बहुत ही ठगा जा रहा था। तो मंडी इंस्पेक्टर किसानों की शिकायत की स्थिति जानने के लिए मंडी पहुंचे, जहां अनाज की तौल हो रही थी वहां उन्होंने जाकर देखा और जो पहले से अनाज तोला रखा था उसको भी दोबारा तुलवाया, ताकि किसानों को कोई शंका ना रहे। वहीं मंडी इंस्पेक्टर ने तोल करने वाले और व्यापारियों को चेतावनी दी है कि यदि किसानों को लूटा गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कौन सा माल काटे जा रहा है? तोल में 50 या 53 किलो तोल रहा है। 50 का 53 किलो तोलना है तो आप मैंने कहा जिसको काटे जिसको कट्टा छोड़ो 53 किलो काटा। अच्छा, तो इसकी शिकायत करके आया आप ऊपर? शिकायत का अभी हाल अब आ रहा और जा रहे हैं। उनसे बात करी तो उनसे पूछा किस लिए तोल रहे हो? उसने अभी कहाँ तोल रहा, जी नहीं है तुम्हारा, जी नहीं है। मन के रखो जो कट्टा देख कैस नहीं है, रखो 53 किलो करो।
एक कट्टा और रखो 52 किलो करूँ। कौन ने तोला? दो तोला उठी भी कांटे। कौन से नंबर के थे? नंबर भी ला जाना। वो शिफोन उपार्जन केंद्र चलना चलाना पटको है तो नहीं चलना चलना है पूरे दिल्ली से लगा आज जनवर तो कितने बजे तक चलता रात में चालू होगा तो हमने इसको रात को पूरी पलटी करा यहाँ से उधर मना कौन ना करी तोलवे की ये मना करा भाई साहब उसको पकड़ ली तो उसकी ट्राली में विवाद हुआ तो सब ट्राली में विवाद हुआ था ना ट्राली विवाद हुआ था इसमें कब विवाद हुआ था इसका नहीं हुआ यही तो है इसका नहीं हुआ कैसे कह रहे हो आप लोग चलो ठीक है तो ये आप उसी के बाद एक बार बताओ सामने वाले इन पास नहीं करो मेरा एक निवेदन है सुन लो आप कल जो हुआ है वो कृत्य नहीं होना चाहिए ने आपकी से हमारे अच्छा हमें अच्छा लग रहा हूँ नहीं अच्छा नहीं लग रहा था आपकी निगाह के सामने ये काम हो रहा है निगाह के सामने वाले में तुलावटी कर रहे हैं तो ये हमें इसी मान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हम रख आज गुना प्रवास पर आए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव संत सिंह यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भेंट की और प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से कहा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जिससे कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत हो। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में कहीं भी कोई प्रकाश कार्य नहीं दिखता और न ही रोजगार मिला है युवाओं को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने भाजपा सरकार चलाई है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक के लिए योजनाएं बनाकर उनके लिए 5 साल काम किया है। उनका सोचना ये है कि हम उत्तर प्रदेश से बाहर अपने लोगों को मजबूत करें पार्टी को मजबूत करें वहाँ भी चुनाव लड़ाएँ और सरकार में अपनी भागीदारी रखें जिससे आम आदमी को समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो सुविधाएँ पहुँच सकें जो हमने उत्तर प्रदेश में दी है। आज आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में लगभग 15 साल से एक ही पार्टी की सरकार चली आ रही है और केंद्र में भी वही सरकार है। इतनी लंबी लंबी वादे किए जा रहे हैं छोटी बातें करके छोटे काम करते तो शायद बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल जाता बहुत लंबी बातें की जा रही है काम कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आदमी कोई एक बल्ब के लिए लाइट का एक बल्ब मांगता है उससे कहते हैं अभी रुक जाओ रात होने दो हम चंद्रमा ला के देंगे तुम्हें अरे उसको एक बल्ब की ज़रूरत है बल्ब दे दो चंद्रमा की उसको ज़रूरत ही नहीं है चंद्रमा तो पूरे दुनिया में चमकेगा पूरे दुनिया को रोशनी देगा उसके घर के लिए एक बल्ब की ज़रूरत है एक बल्ब की रोशनी चाहिए उसको। वो इतनी लंबी लंबी योजनाएं बना रहे हैं आदमी को 10,000 रुपया दे देते उससे उसका काम चलता उससे कह दिया 15 लाख रुपये तुम्हारे खाते में आएंगे लंबी बातें करके और ज़मीन पे कोई काम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना प्रदेश में ना देश में। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसी सरकार बने हम लोगों की उसमें भागीदारी हो जो भी योजनाएं बने वो ज़मीन पे दिखाई दें आम आदमी के लिए काम हो और आम आदमी को राहत मिले। आज किसान परेशान है मजदूर परेशान है कर्मचारी परेशान है और अल्पसंख्यकों की तो बहुत बुरी हालत है कुल इलाके समाज का हर वर्ग व्यापारी इतना परेशान है व्यापारी की पार्टी कहलाई जाती है बीजेपी कहलाती है लेकिन वो परेशान सबसे ज़्यादा व्यापारी है। इतना पैसा व्यापारियों का लूट के रख लिया है वो वापस उनका नहीं हो पा रहा है जबकि एक देश एक टैक्स एक कर की बात हो रही थी। अस्पताल के वाटर कूलर बने शोपीस वाटर कूलर के आसपास बनी रहती है गंदगी ना ही कूलरों की सफाई की जाती है और ना ही वहां फैली गंदगी को साफ किया जाता है। मरीजों के साथ आने वाले लोगों को होती है भारी परेशानी इस भीषण गर्मी में जब ठंडे पानी की आस के लेकर जब आप वाटर कूलर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें ठंडे पानी की जगह मिलता है तो वाटर कूलर से गर्म पानी। आखिर अस्पताल प्रशासन इन वाटर कूलरों को कब चालू करवा पाएगा? गरम
बिल्कुल गर्म आ रहा है, ठंडा नहीं आ रहा, दोनों में नहीं आ रहा ठंडा, नहीं उधर का पता नहीं है। पानी की दिक्कत है इसमें, गर्म पानी और पानी आ ही नहीं रहा पहली बार तो, उसमें पानी कोई सुविधा नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा, आप देख खुद देख लो ना, तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं है कहीं भी है, लेकिन फिलहाल जरूरत उन्हें इतनी है कि चाहिए, मतलब अब एक घंटा हम यहाँ खड़े रहे हैं, मतलब गर्म पानी की समस्या भी आ रही है, ठंडा नहीं क्या, ठंडा नहीं। पशु चिकित्सालय में बकरी को गलत इंजेक्शन लगाने के कारण हुई बकरी की मौत। बता दें कि एक बकरी का मालिक अपनी बीमार बकरी को पशु चिकित्सालय लेकर आया था, जहां चिकित्सालय में डॉक्टर द्वारा बकरी को गलत इंजेक्शन लगा दी गया, जिससे बकरी की हालत बिगड़ने लगी, जिसके कारण बकरी की लगभग एक घंटे बाद ही मौत हो गई। बकरी का मालिक पशु चिकित्सालय के डॉक्टर के खिलाफ आवेदन देने के लिए सिटी कोतवाली पहुंचा, जहां सिटी कोतवाली के TI विवेक अस्थाना ने उसका आवेदन लेकर मामले की जाँच में लिया है। भाई साहब डॉक्टर लोग तोड़ रहा कुर्सी, और जो चाय पानी के सारे बेटे इनके उनके इंजेक्शन ठुकवा रहा है। बकरिया चल रही थी, फिर रही थी, जिंदी बकरिया मारी हमारी। करेंगे तो वही, कोई और थोड़ी करेंगे, कोई फायदा अब का बता रहा नहीं, गरीब बता नहीं बता, निकाल दो फिर, तुम जाकर कोई काय को परेशान कर रहा है, बहुत पड़ा हो यहां तो, पोस्टमार्टम हो यहां तो, पर आवेदन काय को दे रहा है, पोस्टमार्टम तो हो गया ना, हैं याद है उनके पास, हां पर ये बकरी बचने की उम्मीद बहुत कम है, अभी भी वो पानी डाल रही मुंह में से, आप देख सकते हैं वो मर भी सकती है, रात तक अभी नहीं मरी है, शाम तक मर जाए कुछ भी, इसको जिम्मेदार चिकित्सा ही हुआ, इसको कुछ हो जाएगा, हम अच्छी कंडीशन में लेकर आए थे इसको। आपका क्या नाम है? आवेदक आए थे अशोक कटी, को हमने आवेदन पत्र दिया है कि पशु चिकित्सालय में अपने बीमार बकरी को दिखाने ले गए थे, उनका कहना है कि शायद डॉक्टर के गलत इंजेक्शन के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, तो इस संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र को जांच के लिए बीट अधिकारी को दे दिया है, जाँच के बाद जैसे भी होगी कार्रवाई की जाएगी। इंजेक्शन कैसे लगाया कुछ पता है? अभी बीट अधिकारी जो जाँच करता अधिकारी जा रहे हैं, वो बताएंगे कौन ने उसको इंजेक्शन लगाया है और उसका इंजेक्शन से मरी है या बीमारी की वजह से मरी है, वो बाद में क्लियर हो पाएगा। जहाँ एक तरफ तो पुलिस जरा सी अपनी उपलब्धि को बड़ा चढ़ाकर बताती है, लेकिन आरोन के लोगों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही, इसी के चलते लोग आए सड़कों पर, आए दिन हो रही चोरियों की घटनाओं और पुलिस द्वारा उनका खुलासा न करने को लेकर आक्रोशित दुकानदार व स्थानीय लोगों ने श्री दास हनुमान मंदिर पर प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जाम लगाने की कोशिश भी की, जिसकी सूचना पाकर मौके पर SDM अरविंद वाजपेयी पहुंचे, जिसके बाद गुना से भी पुलिस फोर्स मंगवाया गया। पुलिस एवं प्रशासन ने लोगों को जल्द से जल्द चोरियों का खुलासा करने का आश्वासन दिया है, तब जाकर आम जनमानस ने जाम को समाप्त किया। 3 घंटे तक चले जाम के कारण सड़कों पर दोनों तरफ कई गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं में पुलिस के द्वारा केवल आवेदन ही लिया जाता है, वहीं लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं में आरोन थाना प्रभारी पर भी लोगों को संदेह है। चोरियों की घटनाओं को लेकर स्थानीय विधायक भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। चक्का जाम के बाद अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी को ज्ञापन सौंपा गया, इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में नगरवासी उपस्थित थे। आंदोलन रखते हुए एक ज्ञापन के माध्यम से शासन और प्रशासन को अनुविभागीय अधिकारी तक पहुंच करके अपनी मांगों से अवगत कराया जाएगा कि आरोन नगर में जितनी भी चोरियां हुई है आज दिन तक एक भी चोरी बरामद नहीं की गई है। हमारा शासन और प्रशासन से अनुरोध है ये चोरी बरामद की जानी चाहिए एवं यहाँ TI साहब की निष्ठुरता के कारण एक भी चोरी आज दिन तक बरामद नहीं की गई है। आम नागरिक और आम जनता की मांग है आरोन नगर के TI जिनको स्थानांतरण करार दिया जाना चाहिए, ये हमारी आरोन नगर की मांग है। तो आज के तारतम्य है, ये हमारा आंदोलन है और ये आंदोलन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो धारण करेगा और आंदोलन के माध्यम से हम कई तरह से चक्का जाम भूख आंदोलन और कई तरह के आंदोलन रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऊपर तक बात हो रही है,
आज का चक्का जाम यहाँ पर किया जा रहा है वो लगातार एक डेढ़ महीने से कितने दिन दो या तीन चोरी होती है कम से कम ज्यादा हो जाओ वो एक अलग बात है लेकिन आज जनता चोरी का कोई अंजाम नहीं मिल पाया पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें पुलिस प्रशासन की काफ़ी लापरवाही है वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही जबकि मर्यादी लोग अगर FIR दर्ज कराने जाते हैं तो आवेदन ले लिया जाता है या कोई जवान व्यक्ति होता है उसकी FIR दर्ज कर दी जाती है FIR दर्ज करते समय भी मर्यादी जो बोलता है वो बात नहीं लिखी जाती अपनी मनमानी तरीके से FIR दर्ज करता है आज दिन तक चोरों पर किसी प्रकार की कोई शिकंजा नहीं कसा गया है न किसी प्रकार की कोई चोरी बरामद हुई है इसी तारतम्य में कुछ समय पूर्व पिछले और साहब बेटा पहले भी पुलिस प्रशासन ने जन सहयोग के माध्यम से CCTV कैमरे का कलेक्शन किया गया था लेकिन आज दिन तक पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मार्केट में CCTV कैमरा नहीं लगाया गया है ना ये पता है वो पैसा कलेक्ट हुआ था वो कहाँ पर इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं लगी तो आज का जो चक्का जाम किया जा रहा है ये किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा चक्का जाम नहीं है किसी संस्था द्वारा चक्का जाम नहीं है ये तो आप नागरिकों की ओर से चक्का जाम का आयोजन एवं एक ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करने के लिए LGM कार्यालय तक सभी लोग यहाँ पर जाएंगे अभी यहाँ चक्का जाम चल रहा है इसके पश्चात निर्णय लिया जाएगा कब यहाँ से रवाना होना है और अपना ज्ञापन LGM महोदय कब सौंपना है अभी तारतम्य में पूरी आम जनता की तरफ से सभी दुकानदार भाइयों से अनुरोध करता हूँ एवं जो फरियादी है जिनकी चोरियाँ हुई है उनसे मैं अनुरोध करता हूँ यहाँ पर आए अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति देकर और दुकानदार भाई भी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हुए यहाँ पर अधिक से अधिक उपस्थिति देकर अपना विरोध प्रकट करने की कृपा करें क्योंकि जनता अपन सभी लोग मिलकर जनता का नेता जनता हमेशा एक दूसरे का सहयोग चाहती है तो आज जनता का सहयोग करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां सभी सामाजिक संगठन सभी संस्था के पदाधिकारी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं तो इसकी ये चोरियों की शिकायत आपके पास पहले भी पहुंच चुकी है पहले मैंने उन्होंने कहा था निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे ये चोरी सिलसिला कब तक रुक जाएगा उस सब पर आज आरोपी जनता ने अपना आक्रोश किया है मैं और उस संबंध में आए हुए हैं और निश्चित रूप से चोरी होना एक बड़ा चिंता का विषय है और चोरियों को रोक ना पाना और भी ज्यादा चिंता का मिनिमम दो महीने से आरन मार्केट में आरन बाजार में नगर में चोरियां हो रही हैं पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक चोरियों पर अंकुश नहीं लगाया गया एक भी चोरी ट्रेस नहीं हुई एक साल हो चुका एक साल से एक बात बता एक भी चोरी ट्रेस हुई है क्या आरन होनी चाहिए जो नहीं हो पाई है इस संबंध में उन सभी डायरियों की भी समीक्षा की जाएगी इसके द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया है यदि प्रयासों में लापरवाही पाई जाएगी तो संबंधितों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और चोरियों को रोकने के लिए जिला मुख्यालय से 15 आदमी यहाँ गश्त के लिए भी दिए गए हैं जो लगातार यहाँ गश्त करेंगे और यदि उनसे गश्त कराने का काम ठीक से नहीं लिया जाएगा उस संबंध में भी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन में पेंशन खड़े किए जा रहे हैं पब्लिक द्वारा नहीं निश्चित रूप से जब पुलिस अपने कार्य क्षमता को सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाएगी तो कार्य क्षमता पे संदेह उत्पन्न होंगे प्रश्न चिन्ह लगेंगे लेकिन हम लोग निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला दें कि इस प्रश्न चिन्ह को हम उत्तर के रूप में आपके सामने इन पर कब तक चोरियाँ होती है सर ये पर आई नई गाड़ी आती है ये कहना गलत है
नहीं गाड़ी नहीं गाड़ी अगर फरियादी जाता है तो उसकी सुंदर उसकी रिपोर्ट काटी जानी चाहिए। किसी से अगर कोई ये कहता है तो गलत है। अगर कोई आदमी चिन्हित रूप से हमें ये बताएगा तो हम उसके खिलाफ आवेदन पुलिस प्रशासन का कहना देगी आरोप में कम से कम चोरी हुई लोग नहीं अगर चोरी नहीं होती नहीं वो सर आवेदन लेके रख लेते कोई उस पे डिसीजन नहीं आवेदन की पावती संबंधित पास रहती है क्या हो सर एक चीज और है परिवार में मतभेद करने की कोशिश की जा रही है आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र आरोन में हुआ जल संसद का आयोजन। इस जल संसद का आयोजन राज्य सरकार की मंशा के अनुसार किया गया है। जल संसाधन का उद्देश्य देश में बसने वाले जनमानस को जल के प्रति जागरूक करना है। जल संसद का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण सिंह रघुवंशी, पत्रकार लखन रघुवंशी, अरविंद साहू, श्याम टंडेल द्वारा माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर किया गया। अतिथि स्वागत के पश्चात जल संरक्षण एवं संवर्धन पर कृषि विज्ञान केंद्र आरोन से वरुण जाधव द्वारा जल संरक्षण पर मार्गदर्शन दिया गया। जाधव द्वारा बताया गया कि आज के परिवेश में जल का क्या महत्व है। आज पानी का उपयोग कृषि पद्धति में भी अधिक मात्रा में हो रहा है। हमें ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिसमें पानी की खपत कम हो। आज से कई वर्षों पहले यह चेतावनी दी गई थी कि अगर अगला विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के ऊपर ही होगा। बारिश के पानी के अधिक से अधिक संरक्षण करना चाहिए। प्राचीन समय में 4 माह बारिश होती थी लेकिन आज सिर्फ 30 दिन ही पानी बरसता है। कृषि विभाग के SDO भदौरिया जी के द्वारा उन्नत कृषि के ऊपर जानकारी दी गई। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी के द्वारा चलो कुआ बावड़ी अभियान की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति की विशेष भूमिका रही। किसी वर्षा के जल का संग्रहण कर हम भूमिगत जल का स्तर बढ़ा सकते हैं। इस बारे में पूरे मध्य प्रदेश को और पूरे देश को एक संदेश आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हमारे प्रदेश को दिया जा रहा है और सभी को जागरूक किया जा रहा है कि जीवन में हमारे जीवन में किस तरीके से जल का महत्व है। हम भोजन के बिना तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सभी सामाजिक संगठन और सभी प्रति व्यक्ति इसमें भाग ले। जन अभियान परिषद द्वारा संरक्षण के उपयोग में साले में भूड़ा खेड़ा में और तीसरी जगह यहाँ पे भी किया गया था तो माता मुरडा में किया गया था। उसमें तहसीलदार साहब गए थे, नगर परिषद अध्यक्ष भी गए थे और काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका उद्देश्य भी यही था कि आप लोगों में जन जागरूकता पैदा करना। बड़ा सराहनीय कार्य था। मैं साले में सम्मिलित हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जल संसद का आयोजन भोपाल में किया गया था और पूरे मध्य प्रदेश में जल संवर्धन की संरचनाओं का सुरक्षित रखना, साफ सफाई करना और उसको कैसे पानी का संग्रहण करें, संचय करें, जिससे हमारे देश में प्रदेश में पानी की समस्या का हल हो सके। उस समय में जल संवर्धन आयोजन किया गया था। उसी तारतम्य में आरोन में जन अभियान परिषद द्वारा जल संसद का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री के संदेश का टेलीकास्ट किया गया और उसी में सभी लोग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए श्री नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और जल संसद को माध्यम से जल संरचनाओं का संवर्धन संरक्षण एवं पानी की उपयोगिता का मार्ग बताएंगे। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्र सरगवंशी की रिपोर्ट। दो वर्ष पूर्व शुरू हुआ रंगवाड़ी नदी पर जल संरक्षण एवं श्रद्धान का सिलसिला आज भी जारी है। उक्त कथन आवन हनुमान मंदिर पर आयोजित की गई जल संसद के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी आनंद भार्गव द्वारा कही गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी पंकज दीक्षित ने जल संरक्षण के उपायों पर चर्चा की। साथ ही समाज सेवी डॉक्टर SK श्रीवास्तव द्वारा जैविक कृषि करने की बात पर बल दिया गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी SCR द्वारा बारिश के पानी को सहेजने की बात भी कही गई। तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह द्वारा विभिन्न प्रदेशों और मध्य प्रदेश में वर्षा जल की स्थिति को सहेजने एवं पेयजल की उपलब्धता एवं शुद्धता पर प्रकाश डाला गया। जल संसद कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक द्वारा बताया गया कि रंगवाड़ी तालाब से नदी का उद्गम हुआ है, इसलिए इस नदी का नाम रंगवाड़ी नदी रखा गया है। पूर्व में काडिया, अचलपुर एवं आवन में श्रमदान एवं गृहकरण का कार्य प्रस्फुटन नवांकुर एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया गया। इस वर्ष पुनः इसमें गहरीकरण करने की योजना है। कार्यक्रम के उपरांत नदी में सांकेतिक श्रमदान भी किया गया। Thank you.
ऊपर ऊपर सब खुद रहा है, नीचे कोई नहीं खुद रहा, किरा पानी ले पानी का यही है, गोलाई कर लो और का राजोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।